देखो रेनॉल्ड्स नंबर फॉर्मूला नोट कर लें पहले, रो वेलोसिटी जो कि क्रिटिकल होती है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब और ईटा, टी फॉर डायमीटर। शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वाटर? एवरेज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है या क्रिटिकल वेलोसिटी है इस केस में, इन अ ट्यूब ऑफ डायमीटर गिवन सो दैट द फ्लो इज लैमिनर। जब ये ऐसी लैंग्वेज यूज करें ना, लैमिनर टर्बुलेंट, तो पता लग रहा है रेनॉल्ड्स नंबर यूज होने वाला है। खुद नहीं बताएगा रेनॉल्ड्स नंबर का क्वेश्चन है, लैमिनर वर्ड बताएगा। लैमिनर का मतलब है या आपका स्टेडी या स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, या लैमिनर फ्लो कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2000 है। हमने किया था अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 2000 है तो फ्लो लैमिनर है, अगर 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, और बीच में मैं कह नहीं सकता। तो इस केस में आपको तीनों चीजें गिवन है, आपको वेलोसिटी बतानी है, और तुम्हें पता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लैमिनर फ्लो के लिए लेस देन इक्वल टू 2000 है। तुम यहां पर रो डायमीटर और ईटा पुट करके क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू 0.5 आएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है 0.5। तो मतलब इसमें यही ट्रिक है कि आप रेनॉल्ड्स नंबर क्या पुट करेंगे और 2000 पुट करेंगे फॉर लैमिनर फ्लो। तो ट्रिक समझ में आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर का, क्या इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये लैमिनर वर्ड अंडरलाइन कर लेना, लैमिनर इंपॉर्टेंट है इसमें। लैमिनर पढ़ते ही आर को 2000 पुट करना है, ठीक है। जैसे वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस गिवन, रेडियस गिवन तो डायमीटर भी आ जाएगा ट्वाइस, एवरेज वेलोसिटी का मतलब वी भी गिवन, व्हाट इज नेचर ऑफ फ्लो, जब भी क्वेश्चन नेचर ऑफ फ्लो पे आएगा सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। तो आपको इसमें ईटा भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है 4500। अब रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी बड़ा है, 3000 से भी बड़ा है, इसका मतलब फ्लो क्या है, टर्बुलेंट। तो आंसर इज टर्बुलेंट। कोई डाउट इसमें कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है फ्लो ऑफ लिक्विड? वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 6 cm/s, पाइप का रेडियस गिवन है तो डायमीटर भी गिवन है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी गिवन है, नेचर ऑफ फ्लो फिर से क्या निकलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर। इस बार रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है 1200, 2000 से कम है तो फ्लो क्या है, लैमिनर, स्टेडी या लैमिनर, स्ट्रीमलाइन। समझ में आ रहा है फ्लो कैसे चेक करना है, बाय कैलकुलेटिंग रेनॉल्ड्स नंबर। फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर एयर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ 2 cm डायमीटर। तो डायमीटर पता है, डेंसिटी पता है, और ईटा भी पता है, लेकिन फ्लो नहीं पता। अब टर्बुलेंट तो होगा नहीं, तो अगर कुछ ना गिवन हो तो 2000 पुट कर दो, लैमिनर मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000। तो इसमें कुछ फ्लो का मेंशन नहीं है, तो एयर जो है वो टर्बुलेंट नहीं है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जाएगी, तो आप लिख देना 2000 यूज करके वेलोसिटी निकाल लेना आंसर। मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं गिवन तो 2000 के साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है यहाँ तक। तो यही ट्रिक है इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसमें ये नहीं पता लगेगा एयर में क्या यूज करना है। तो एयर को लैमिनर माना जाता है तो 2000 यूज करना है।